ओएलएक्स में सस्ते दामों पर ऐड देकर दूसरे राज्यों के लोगों को जाल में फंसाकर ठगी और लूट करने वाले गिरोह के 5 लोगों को नगीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों से एक गाड़ी, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोल के अलावा 2,19,000 रुपए की नकदी, 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पिछले 3 महीनों में नूह जिले में कई वारदातों को अंजाम देते हुए करीब 5 लाख से ज्यादा रुपयों को लूटा है। गिरफ्तार बदमाश सोची समझी योजना के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा निशाना बनाते थे। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए गिरफ्तार बदमाश ओएलएक्स पर सस्ती गाड़ियों का ऐड देते थे और ग्राहकों को पलवल जैसे सुनसान इलाकों में ले जाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। उनसे नकदी, मोबाइल, एटीएम आदि की लूट किया करते थे। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग डर की वजह से पैरवी भी अपने केस की नहीं कर सकते थे और आरोपी कोर्ट से जल्द ही बरी हो जाया करते थे। इन वारदातों में सब कुछ बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा था। ये पहले ओएलएक्स पर डालते हैं कि भाई ये गाड़ी है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भेजते हैं और जो खरीदने वाला होता है वो लालच में आ जाता है कि भाई गाड़ी भाई 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया सस्ती मिल रही है और वो लोग वहाँ से ऑलमोस्ट जो लोग हैं इसमें MP और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो वहाँ से यहाँ आते हैं और ये लोग इनको ऑलमोस्ट पलवल से पिकअप करके और यहाँ मेवात के जंगलों में कहीं ले आते हैं और यहाँ पे आके जबरदस्ती उनसे गाड़ी में बैठे बैठे को कट्टा दिखा के पैसे लूट लेते हैं। पुलिस ने शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया, पर जिस तरह कम आयु के युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उससे समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। टोटल न्यूज के लिए मेवात से कासिम खान की रिपोर्ट।